ओके आइए अब आपके साथ डिस्कस करेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट एनपीवी पीआई के पहले एक टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ कैश फ्लोस. ओके टाइप्स ऑफ कैश फ्लोस पहले ये समझिएगा कि आपने अभी तक हमारे साथ पेबैक पीरियड सीख लिया है, आपने हमारे साथ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड सीख लिया है. अब एनपीवी पीआई वगैरह सीखने के लिए सबसे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ कैश फ्लोस डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ. क्या क्या टाइप का कैश फ्लोस, क्या क्या टाइप का कैश फ्लोस हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू अ प्रोजेक्ट. ओके ये हर एक एक टाइप ऑफ कैश फ्लोस के बारे में पहले मैं पूरा राइट अप पूरा कैलकुलेशंस आपको लिखवाऊंगा फॉर द नेक्स्ट 10-15-20 मिनट्स, फिर एक साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो काफी कुछ है जो आपको लिखना है इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर. ध्यान से शुरू करते हैं. हेडिंग लिखिएगा टाइप्स ऑफ कैश फ्लोस. उसके नीचे लिखना दे कैन बी थ्री मेन टाइप्स ऑफ कैश फ्लोस. दे कैन बी थ्री मेन टाइप्स ऑफ कैश फ्लोस with respect to there can be three main types of cash flows with respect to a project. With respect to a project. These are as follows. There can be three main types of cash flows with respect to a project. These are as follows. As follows. Next line, point number 1, 2, 3. Copy kar lo. Initial cash flow, annual cash flow, terminal cash flow. Initial cash flow, annual cash flow, and terminal cash flow. नेक्स्ट लाइन एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इनिशियल कैश फ्लो. सबसे पहले इनिशियल कैश फ्लो. उसके सामने लिखना इट इज द कैश फ्लो दैट ऑकर्स इट इज द कैश फ्लो दैट ऑकर्स एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट
इट इज द कैश फ्लो दैट ऑकर्स एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फुल स्टॉप. इट इज जनरली it is generally in the form of a outflow इट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ अ आउटफ्लो फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन ये कॉपी करो. कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल कैश फ्लो. समझाऊंगा, पहले कॉपी करवा रहा हूं आपको, फिर समझाऊंगा पूरा चीज. अंजलि डन क्या? अंजलि डन? यस
थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा क्लियरली। ओके, अब ये समझिएगा कि मोस्ट सम्स में इनिशियल कैश फ्लो, मोस्ट सम्स में इनिशियल कैश फ्लो विल बी वन लाइन आइटम। क्वेश्चन में दिया होगा इनिशियल कैश फ्लो या इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 20 लाख, इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट 50 लाख, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ सम्स में वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा कि मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं 50 लाख का, उस प्रोजेक्ट को करने के लिए 20 लाख का वर्किंग कैपिटल चाहिएगा। अब आपको पता है वर्किंग कैपिटल किस लिए चाहिए होता है? करंट एसेट्स वगैरह के लिए चाहिए होता है। तो वर्किंग कैपिटल का जो पैसा होता है वो स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में हम साथ साथ में लगाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स के साथ में। फिक्स्ड एसेट के लिए 50 लाख, वर्किंग कैपिटल के लिए 20 लाख। तो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली 70 लाख हो जाता है, और ये 20 लाख का वर्किंग कैपिटल जितना लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है, लेट्स से लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 इयर्स, तो 5 इयर्स तक वो 20 लाख चर्न होता रहेगा। उस 20 लाख से हम पहले सेल करेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिनिश गुड्स बनेगा, फिनिश गुड्स को सेल करेंगे, डेटर्स होगा, डेटर्स से कैश मिलेगा, कैश से वापस रॉ मटेरियल खरीदेंगे, वो साइकिल में चर्न होता रहेगा वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का पैसा ऐसा नहीं है कि अपने को बीच में मिल जाएगा, वो अज्यूम्ड होता है कि स्टार्ट में पूरा लगाएंगे और एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में पूरा वापस मिल जाएगा, अनलेस क्वेश्चन सेज अदरवाइज। तो क्वेश्चन जनरली क्या बोलेगा, प्रोजेक्ट 50 लाख का है, उसमें 20 लाख का वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो अगर 20 लाख का वर्किंग कैपिटल चाहिए तो स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में 20 लाख का कॉस्ट में ऐड कर दीजिए, क्योंकि मेरे को उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 50 का तो कॉस्ट ऑफ द एसेट है, 20 लाख का वर्किंग कैपिटल लगाना पड़ेगा, तो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 70 हो जाएगा, और यही 20 एंड में जाके मेरे को वापस मिल जाएगा, यही 20 एंड में जाके मेरे को वापस मिल जाता है। आर यू विद मी एवरीवन? एक एक एडजस्टमेंट समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सेल ऑफ स्क्रैप ओल्ड एसेट, एक दो सम्स होगा हम लोग करेंगे जिसमें क्या होगा, पुराना मशीन को रिप्लेस करके नया मशीन लगाने का बात करेंगे। अब अगर पहले से एक मशीन मेरे बिजनेस में लगा हुआ है, उसको हटा के उसकी जगह एक नया मशीन लगाने का बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर पुराना को हटा के नया लगाएंगे, अगर पुराना को हटा के नया लगाएंगे तो क्या होगा? बोला सर पुराना को तो बेच देंगे, दोनों को तो रखना नहीं है, तो पुराना को बेचेंगे तो कुछ तो मिलेगा, सेल ऑफ स्क्रैप स्लैश ओल्ड एसेट इफ एनी। आर यू गेटिंग दिस? ऋषिका, अंजलि, एवरीवन? ओके। उसके बाद बोला कई बार पुराना एसेट को जब आप बेचेंगे तो अगर बुक वैल्यू से, टैक्स का नॉलेज, अगर आप बुक वैल्यू से ज्यादा पे बेचेंगे डेप्रिशिएबल एसेट को, तो जब आप बुक वैल्यू से ज्यादा पे बेचेंगे तो आपके लिए कैपिटल गेन होगा, जब आप बुक वैल्यू से कम में बेचेंगे तो कैपिटल लॉस होगा। कैपिटल लॉस होने से लॉस पे टैक्स सेविंग्स होता है, ये मैंने आपको बेसिक्स ऑफ फाइनेंस में सिखाया है पहले आपके पिछले चैप्टर्स में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह में, कि अगर लॉस होता है तो लॉस के वजह से कोई और गेन पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो टैक्स सेविंग्स होगा, और अगर गेन होगा तो गेन पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बोला मेरे लिए कैपिटल गेन इनफ्लो भी हो सकता है कैपिटल गेन पे टैक्स, और मुझे कैपिटल गेन पे टैक्स आउटफ्लो भी हो सकता है, दिस विल बी कैपिटल गेन टैक्स। तो मेरे लिए कैपिटल गेन टैक्स प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर टैक्स मेरे को पे करना पड़ेगा तो खर्चा है, ऐड हो जाएगा। अगर टैक्स पे सेविंग्स हो रहा होगा तो वो मेरे लिए इनफ्लो की तरह होगा, वो माइनस हो जाएगा। कैलकुलेशन सिखाऊंगा आगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आप पुराने एसेट को बेच रहे होंगे तो ऐसा कोई एडजस्टमेंट भी हो सकता है, समय कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस या रिलेटेड एक्सपेंसेस साथ में, इंस्टॉलेशन वगैरह का कोई और खर्चा है तो साथ में ऐड कर दीजिएगा। सब्सिडी कंसेशन, अगर आपने 20 लाख, आपने 100 लाख का, 1 करोड़ का एक एसेट लगाया, उसमें गवर्नमेंट ने आपको 10 लाख का सब्सिडी दिया, आपने 1 करोड़ का ऐसा एसेट लगाया, ऐसा एसईसी जोन वगैरह था कहीं पे, ऐसा आपने लगाया जहां पे आपको 10 लाख का सब्सिडी मिला, तो आपको इफेक्टिवली पॉकेट से तो 90 ही देना पड़ेगा। 1 करोड़ का एसेट था लेकिन 1 करोड़ का लगाने से 10 लाख का तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे दिया है, तो आपके लिए तो इफेक्टिवली पॉकेट से तो 90 ही लगना है, तो हम लोग यहां पे 10 लाख माइनस कर देंगे, ऊपर 1 करोड़ लिख के माइनस 10 लाख कर देंगे। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हर समय ये सारे एडजस्टमेंट होंगे जरूरी नहीं है, हर सम में नॉर्मली कॉस्ट ऑफ द एसेट मोस्ट केस में एक सिंगल लाइन आइटम होगा, कुछ कुछ सम्स में एक दो एडजस्टमेंट होंगे, कुछ कुछ सम्स में एक दो और हो सकते हैं, और कई सारे जो लास्ट लेवल हाईएस्ट एडवांस लेवल सम्स होगा उसमें हो सकता है कई सारे 4-5 एडजस्टमेंट हो इसमें से। लेकिन जितना भी एडजस्टमेंट होगा कॉन्सेप्ट पहले बिल्डअप करें कि इनिशियल कैश फ्लो स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में वन टाइम जो मेरे को पॉकेट से पे करना पड़ेगा, दैट इज माई इनिशियल कैश फ्लो। आर यू वेरी क्लियर विद द इनिशियल कैश फ्लो डिस्कशंस एवरीवन?
अंजलि क्लियर है? ओके नेक्स्ट। एनुअल कैश फ्लो उसके नीचे लिखना। दीज आर द रिकरिंग कैश फ्लोज, दीज आर द रिकरिंग कैश फ्लोज दैट आर लाइकली टू ऑकर These are the recurring cash flows that are likely to occur these are the recurring cash flows that are likely to occur throughout the life of the asset every year these are the recurring cash flows that are likely to occur throughout the life of the asset every year एवरी ईयर। दीज आर मोर रेवेन्यू इन नेचर, दीज आर मोर रेवेन्यू इन नेचर फुल स्टॉप फुल स्टॉप। दे आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ अ इनफ्लो, दे आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ अ इनफ्लो। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन प्लीज नोट, लिखना है नोट। नोट पॉइंट नंबर वन, अनलेस एनीथिंग कॉन्ट्ररी इज गिवन इन द क्वेश्चन, unless anything contrary is given in the question, all revenue items unless anything contrary is given in the question, all revenue items other than depreciation are assumed to be on cash basis. Are assumed to be on cash basis. अगर आपको याद हो, खैर छोड़ो, फिर भी गलती से अगर आपको याद हो तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ एफएम में, फर्स्ट चैप्टर ऑफ एफएम में हमने आपके साथ डिस्कस किया था स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उस स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने एक वर्ड यूज किया था सीफैट। सीफैट याद आ रहा है क्या? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। वो सीफैट अब हम लोग को कैलकुलेट करना है।
अभी कॉपी मत करना, अब समझाएगा इसको, साथ में समझाएगा। आप जो मेरे साथ इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखे हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड व्हाट? क्या है? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन होता है, होता है, टेस्ट का तैयारी में ऐसा भी होता है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज कॉल्ड, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कैश विल बी कॉल्ड एबिट्डा माइनस डेप्रिसिएशन विल बी कॉल्ड ईबीआईटी। याद आ रहा है? एक स्टेप बढ़ा दिया हमने खाली, फिक्स्ड कॉस्ट कैश और डेप्री अलग रख रहे हैं, माइनस इंटरेस्ट पीबीटी माइनस टैक्स पैट, अज्यूमिंग नो प्रेफ। दिस इज What is your net profits? Accounts के हिसाब से this is your net profit. Are you with me? PAT is your net profit. Accounts वाला। Now इस पूरे में हमने कहा sales cash है, variable cost cash है, nothing mentioned, everything is cash. Let's say assuming figures है, assume figures. सेल्स 100 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 20, कंट्रीब्यूशन 80, फिक्स्ड कॉस्ट 10, एबिट्डा 70, डेप्रिसिएशन 15, दिस इज 55, इंटरेस्ट इज 5, पीबीटी 50, टैक्स लेट्स से 30% 15, पैट इज 35। आर यू विद मी टिल हियर? अज्यूम फिगर्स। अब सर ये समझिए कि मेरे लिए, मैंने आपको ऊपर में ये नोट लिखवाया, अनलेस कॉन्ट्ररी गिवन इन द क्वेश्चन ऑल आइटम्स अदर देन डेप्रिसिएशन इज ऑन कैश बेसिस। सो सेल्स 100 रुपया पूरा कैश सेल्स हुआ है, 100 रुपया पॉकेट में आया है आपके पास। वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपीज पूरा कैश में आपने पे किया है, 80 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन कैश में आया है। फिक्स्ड कॉस्ट 10 रुपया पूरा कैश से आपने पॉकेट से पे किया है, 70। 15 रुपया डेप्री इज ऑब्वियसली नॉन कैश, कुछ भी हो जाए डेप्री कैन नॉट बी अ कैश आइटम। ईबीआईटी 55 में 15 रुपया खाली नॉन कैश है, बाकी पूरा कैश था। 5 रुपया इंटरेस्ट पूरा कैश में पे किया है आपने। टैक्स 15 रुपया पूरा कैश में पे किया है आपने। तो ये जो पैट निकला है 35 रुपया, इस 35 रुपए के पैट में खाली डेपरी को छोड़ के सब कुछ कैश बेसिस है। तो अगर मुझे कैश फ्लो निकालना है, अगर मुझे कैश फ्लो निकालना है तो बोला नॉन कैश को रिवर्स कर दीजिए प्लस रिवर्स ऑफ नॉन कैश यानी डेपरी, तो जो आएगा उसको हम बोलते हैं सी फैट। यानी अगर यहां पे बात करें तो हमने डेप्री 15 पकड़ा था, 15 को जब हम रिवर्स कर देंगे प्लस करेंगे तो हम 50 रुपया सी फैट आएगा। सर डेप्री को प्लस क्यों कर रहे हैं? एक मिनट, आपने ऊपर डेप्री को क्या किया था, प्लस किया था या माइनस किया था? ऊपर में माइनस किया था, लेकिन वो तो नॉन कैश आइटम है, क्योंकि नॉन कैश है उसको माइनस नहीं करना चाहिए, तो रिवर्स करने के लिए उसको हम प्लस कर रहे हैं नीचे में। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, हमारे तो कैश फ्लोज निकालना है। फाइनेंस एनपीवी विल बी इक्वल टू बेस्ड अपॉन ऑल कैश फ्लोज, हमारे को सिर्फ कैश फ्लोज चाहिए, तो जो भी नॉन कैश आइटम है उसको हम हटा देंगे। तो बोला डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, उसको हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे? जो माइनस किया है उसको प्लस कर देंगे, जो प्लस किया है उसको माइनस कर देंगे। तो यहां जो नॉन कैश आइटम था उसको हम रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स ऑफ नॉन कैश। आर यू गेटिंग द डिस्कशन? सीफैट 50 एकदम समझ में आ रहा है आपको? अंजलि क्लियर है क्या?
अंजलि क्लियर है क्या? ऋषिका, एक बैच में एक बार एक बच्चा मेरे को बोला कि सर आपने टैक्स डेप्री को माइनस किया, आपने डेप्री को प्लस किया, सर सेम अमाउंट 15 रुपया माइनस किया प्लस किया, सर एक काम करिए ना डेप्री को पूरा इग्नोर ही कर दें, तो ना माइनस करना पड़ेगा ना प्लस करना पड़ेगा, फिर तो सेम ही हो जाएगा। हमने कहा चलो देखते, तो हमने मेथड वन इज आफ्टर कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन, मेथड टू विदाउट कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कैश एबिटा ईबीआईटी एबिटा हम लोग डेप्री लिख ही नहीं रहे हैं, लेकिन दोनों का टेबल बराबर चले इसलिए हमने एक लाइन गैप छोड़ लिया। बोला सर हम डेप्री को खाली छोड़ देते तो नीचे रिवर्स भी नहीं करना पड़ेगा, सेम आइडिया में आ जाएगा। हमने कहा चलो देख लेते हैं, सेम आ जाना चाहिए अगर आपका लॉजिक सही है। तो हमने कहा 100 रुपया सेल्स पकड़े, वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपया, कॉन्ट्रीब्यूशन 80-80 सेम सेम चल रहा है सर, फिक्स्ड कॉस्ट 10 रुपया, एबिडा 70-70 सेम चल रहा है सर, यहां पे हमने कुछ नहीं लिखा तो ईबीआईटी 70 आ गया सर, ये तो इग्नोर किया है, नीचे बराबर हो जाएगा। हमने कहा ठीक है चलो इंटरेस्ट को बराबर पकड़ते हैं 5 रुपया, 65 पे टैक्स रेट हमने 30% पकड़ा था, 30% ऑफ 65 कितना होगा देख के बताइएगा कोई फिगर, 19.5 क्या? yes, तो कितना आएगा 45.5 क्या? yes, लेकिन सर सेम तो नहीं आया, आइडियली तो सर अगर लॉजिक सही था तो सेम आना चाहिए था, कहां फर्क आ रहा है सोच के बताइए, बाकी तो सब कुछ हमने सेम सेम पकड़ा है सर एकदम। ईबीआईटी तो डिफरेंस इसीलिए आया ना क्योंकि हमने डेप्री इग्नोर किया है, टैक्स में फर्क आया सर। सर टैक्स में फर्क क्यों आया अब एकदम ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, सर टैक्स इज पेड ऑन पीबीटी, नाउ इफ यू डोंट कंसिडर डेप्रिसिएशन योर पीबीटी राइजेस एंड हेंस यू हैव टू शो हायर अमाउंट ऑफ टैक्स, लेकिन एज पर इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर, सो इवन इफ यू डोंट शो इट इन योर इनकम स्टेटमेंट यू विल स्टिल गेट दैट टैक्स बेनिफिट इन योर टैक्स कैलकुलेशन पर्पस। तो जो टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन है आपको वो एड बैक करना पड़ेगा अभी भी। तो हम लोग इसमें खाली क्या एड बैक करेंगे, प्लस टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन एंड देन दिस विल बी सी फैट। एंड टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्री कैसे होगा, बोला सर कितना रुपया का डेप्री था 15 रुपया, उसके ऊपर 30% का सेविंग्स होगा। कैसे? बोला सर 15 रुपया का डेप्री है, अगर मैं 15 रुपया का डेप्री दिखाऊं तो मेरा पीबीटी 15 रुपया से घट जाएगा और 15 रुपए का प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो 15 रुपए पे 30% का प्रॉफिट है मेरे लिए, बेनिफिट है मेरे लिए, सेविंग्स है मेरे लिए अगर मैं 15 रुपया का डेप्री दिखाता हूं तो। वंस अगेन सर, अगर मैं 15 रुपया डेप्री अपने पीएल अकाउंट में दिखाऊंगा तो मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट 15 रुपया से कम होगा, तो टैक्स भी मुझे 15 रुपया पे 30% नहीं देना पड़ेगा, उतना का टैक्स सेविंग्स होगा, टैक्स बेनिफिट मिलेगा मुझे। 15 रुपया पे 30% आता है 4.5 रुपया, ये 4.5 का फायदा होगा मेरे को क्योंकि मैं 15 रुपया का खर्चा दिखाऊंगा तो उतना टैक्स सेविंग्स जैसे ही आप जोड़ोगे नोटिस करिएगा 50 रुपया आ जाएगा। देखो क्लियर है क्या?
अब हम लोग सम्स बनाते टाइम, मेजोरिटी सम्स बनाते टाइम हमारे को क्या होगा, हम मेथड वन ही फॉलो करेंगे सर, हमारे को आदत है वही बनाने का। नॉर्मल सब कुछ माइनस करते करते पैट तक जाइए, खाली डेपरी को रिवर्स करके एड बैक कर दीजिए, सबसे सिंपल है, हम लोग वही फॉलो करेंगे। लेकिन एक दो बार सम में ऐसा हुआ हुआ है, आपको एग्जाम में दे दिया पैट इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन और फिर नीचे डेप्री का फिगर दे दिया, तो कई लोग होते हैं वापस पीछे जाके इनकम स्टेटमेंट बना के डेप्री को माइनस करके फिर प्लस करते, अरे क्यों रे क्यों? अगर पैट इग्नोरिंग डेप्री दिया है तो सीधा डेप्री पे खाली टैक्स अमाउंट जितना एड बैक करिए, पूरा डेप्री नहीं, डेप्री पे टैक्स अमाउंट जितना, क्यों? क्योंकि टैक्स सेविंग्स होगा मेरे लिए। आर यू गेटिंग ऑल दिस? ओके, एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं लिखवा दूंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए ध्यान से। व्हेनेवर आई पे समथिंग, दिस इज अ इनफ्लो और अ आउटफ्लो। अरे बोलो, ऋषिका, अंजलि, whenever I receive something, it is an outflow or an inflow? Whenever I have to pay less, whenever I have to pay less, it is a savings. That savings is like a inflow. अगर मुझे कोई चीज में 100 रुपया देना पड़ रहा था, अब 80 ही देना पड़ेगा, that is like मैंने 100 दिया और 20 मुझे वापस मिल गया, तो वो 20 रुपया का सेविंग्स मेरे लिए एक इनफ्लो की तरह ट्रीट किया जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग वंस अगेन? अगर मैं पहले कोई चीज 100 रुपया देता था, अब 100 की जगह 80 ही देना पड़ेगा, तो वो 20 रुपया का सेविंग्स हो गया मेरे लिए, वो सेविंग्स को हम इनफ्लो की तरह ट्रीट करेंगे। रिडक्शन इन आउटफ्लो इज ट्रीटेड लाइक अ इनफ्लो। अगर पहले 100 देना पड़ता था, अब 80 देना पड़ेगा, तो वो इनफ्लो की तरह हो जाएगा हमारे लिए। आर यू गेटिंग दिस पार्ट? रिडक्शन इन इनफ्लो विल बी ट्रीटेड लाइक अ आउटफ्लो। अगर आपको पहले 80 रुपया मिलता था, अब आपको 60 ही मिलेगा, दैट इज लाइक 20 आपके पॉकेट से लग रहा है। पहले आपको 80 मिलता था, अब आपको 60 मिलेगा, दैट इज लाइक 80 मिल रहा है और 20 आपको देना पड़ रहा है, दैट इज लाइक अ आउटफ्लो ऑफ 20 रुपीज। आर यू गेटिंग दिस? रिडक्शन इन इनफ्लो विल बी ट्रीटेड लाइक एन आउटफ्लो, रिडक्शन इन आउटफ्लो विल बी ट्रीटेड लाइक अ इनफ्लो। नाउ टैक्स इज अ आउटफ्लो, टैक्स इज अ आउटफ्लो। अगर डेप्री नहीं होगा तो मुझे टैक्स 19.5 रुपया देना पड़ेगा, अगर डेप्री होगा तो मुझे टैक्स 15 देना पड़ेगा, मुझे टैक्स कम देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स कम देना पड़ेगा, रिडक्शन इन आउटफ्लो हो रहा है, दैट विल बी ट्रीटेड लाइक अ इनफ्लो ऑफ 4.5 रुपया। हेंस इट इज एडेड बैक एज 4.5 रुपया का इनफ्लो, इसलिए उसको ऐड कर रहे, माइनस नहीं कर रहे। अभी मैं सिर्फ समझाने के ऊपर हूं कि सर ये जो डेपरी वाला एडजस्टमेंट है, टैक्स वाला जो एडजस्टमेंट है, क्योंकि जब बड़े सम्स में मैं जाऊंगा तब मैं रुक के ये सब नहीं डिस्कस कर पाऊंगा। अभी एकदम अच्छे से आपको सिखा देना चाहता हूं कि जब भी कोई आउटफ्लो होता है, अगर उसका अमाउंट कम हो जाता है, इट इज अ रिडक्शन इन आउटफ्लो। अगर रिडक्शन इन आउटफ्लो हो रहा है, इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ इनफ्लो फॉर मी। अगर एक इनफ्लो है और वो इनफ्लो का अमाउंट कम हो जाता है, रिडक्शन इन इनफ्लो विल बी ट्रीटेड लाइक अ आउटफ्लो फॉर मी। आर यू एवरीवन गेटिंग दिस? ओके, वेरी गुड। तो मुझे 19.5 की जगह 15 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, ये 4.5 रुपया का सेविंग्स है मेरे लिए। तो मेरे लिए सीफैट का अगर मैं फॉर्मूला वाइज लिखूं, तो सीफैट इज इक्वल टू नॉर्मल पैट After depri plus depreciation, or CFAT is equal to PAT ignoring depri plus tax savings on depreciation, that is depreciation into टैक्स रेट 15 रुपया इंटू 30%। क्लियर है क्या? ओके, बहुत कुछ और भी लिखवाऊंगा, पहले इतना चीज आपसे कॉपी करवाते हैं। चलिए,
एडवाइजेबल होगा दोनों बगल बगल में ही आप कॉपी करो जैसे हमने बनाया है।
एवरीवन, आर वी डन टिल हियर? आर यू डन? ओके, राइट बिलो दैट नोट, वी हैड रिटन नोट वन अर्लियर, नाउ राइट नोट टू. Now write note 2. Any amount received will be an inflow. While any amount paid will be a while any amount paid will be a outflow. Any amount received will be an inflow while any amount paid will be a outflow. Full stop. Reduction in outflow will be treated like an inflow. Reduction in outflow will be treated like an inflow and similarly reduction in inflow will be treated like a outflow. Reduction in outflow will be treated like an inflow and similarly reduction in inflow will be treated like a outflow. Full stop. Next line, point number 3. Point number 3, since tax is paid by us, since tax is paid by us, it is considered as a outflow. Since tax is paid by us, it is considered as an outflow. But when we have to pay lesser tax, then it is a reduction in outflow. And is hence treated like an inflow. Next slide, point number 4. Depreciation is a non-cash item. Depreciation is a non-cash item and is hence reversed while calculating CFAT.
डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम एंड इज हेंस रिवर्स्ड वाइल कैलकुलेटिंग सी फैट। However, same point. However, if depreciation has been ignored, while calculating PAT, second वाला method समझा रहे। However, if depreciation has been ignored while calculating PAT, then we only add the tax savings due to depreciation. ब्रैकेट में लिखना रिडक्शन इन टैक्स बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर। ब्रैकेट में लिखना रिडक्शन इन टैक्स सिंस डेप्रिसिएशन इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर। रिडक्शन इन टैक्स सिंस डेप्रिसिएशन इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर। पूरा सीफैट का कैलकुलेशन आपको क्लियर हो रहा है एवरीवन? कोई डाउट नहीं है ना? बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सम्स होता है। इनिशियल जनरली बड़े सम्स में, एकदम एडवांस क्वेश्चंस में बाद में जाएंगे तब इनिशियल में भी एडजस्टमेंट होगा, अदरवाइज मोस्ट सम्स में इनिशियल एक वन लाइन आइटम होगा। जो थर्ड वाला भी आगे डिस्कस करने जा रहे, टर्मिनल एक लाइन या दो लाइन का आइटम होगा। मेन जितना सम में ट्विस्ट वगैरह होता है स्टैंडर्ड सम्स में, वो एनुअल वगैरह में ज्यादा होता है। तो कैलकुलेशन सबसे ज्यादा आपको एनुअल वाले पार्ट में ही करना रहेगा, इसलिए एनुअल का सीफैट कैलकुलेशन कुछ नहीं। नॉर्मल पैट आप बहुत बार निकाल चुके, हमारे साथ पैट के साथ कंफर्ट है, वही पैट निकाल के डेप्री एड बैक कर दीजिए, आपका सीफैट आ जाता है। आर वी क्लियर हियर? ओके, चलते थर्ड। टर्मिनल कैश फ्लो, टर्मिनल कैश फ्लो, उसके सामने लिखना इट इज द कैश फ्लो दैट ऑकर्स at the end of the life of the project. It is non-recurring in nature. It is non-recurring in nature, full stop. It is generally in the form of a
इट इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ अ इनफ्लो, यहां पे हम एक वर्ड लिख रहे हैं सीफैट इज नेट एनुअल कैश फ्लो, दिस इज योर नेट एनुअल कैश फ्लो। कॉपी कर लो। ओके अब ये कैपिटल गेन का कैलकुलेशंस कैसे होता है ये मैं सिखाऊंगा, लेकिन वही है अपने टर्मिनल। लेट से एक एसेट आपने खरीदा जिसका लाइफ है 5 इयर्स, तो जब आप स्टार्टिंग में खरीदेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, दैट इज योर इनिशियल आउटफ्लो। उस एसेट को यूज करके 5 साल तक हर साल आप कुछ कुछ कमाएंगे, दैट विल बी इनफ्लो एनुअल। 5 साल के एंड में आप उस एसेट को बेच देंगे, बेच के कुछ स्क्रैप वैल्यू मिलेगा, दैट विल बी योर टर्मिनल कैश फ्लो। प्लस वर्किंग कैपिटल, हमने कहा था स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करेंगे, 5 साल का प्रोजेक्ट था तो 5 साल तक वर्किंग कैपिटल को हमने चर्न किया चर्न किया चर्न किया, लास्ट में 5 साल के एंड में जाके क्या होगा, वो वर्किंग का बिजनेस बंद कर प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, तो प्रोजेक्ट में जितना वर्किंग कैपिटल था, हो सकता है कुछ बैड डेब्ट्स वगैरह हो सकता है, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो ये मान लिया जाएगा पूरा वर्किंग कैपिटल एज इट इज रिकवर हो रहा है। यानी अगर आपने 20 लाख लगाया था वर्किंग कैपिटल का, तो पूरा 20 लाख आपको रिकवर हो जाएगा, दिस इज अज्यूम्ड अनलेस एनीथिंग कॉन्ट्ररी इज गिवन इन द क्वेश्चन। कैपिटल गेन का एडजस्टमेंट्स मैं अलग से अभी नोट में सिखाऊंगा आपको, बट आई बी वेरी क्लियर विद द टर्मिनल कैश फ्लोज एवरीवन। क्योंकि इसके इसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा अब एनपीवी की तरफ, एनपीवी के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं, वी विल नाउ गो इनटू एनपीवी। अभी तक मैंने एनपीवी मेथड शुरू नहीं किया था, मैंने टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज एक हेडिंग लेके आपके साथ शुरू किया था ये सेशन, अभी तक वी विल मूव टुवर्ड्स एनपीवी। पहले लास्ट एक नोट, नोट नंबर कितना होगा ये 5, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन टैक्स पेबल
पेड स्लैश सेविंग्स। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। दो मिनट रुको, एक साथ से पहले समझा देता है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट लेस बुक वैल्यू ऑफ एसेट, नहीं WDV ऑफ एसेट। हाउ डू यू कैलकुलेट WDV ऑफ एसेट? बोला कॉस्ट ऑफ एसेट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मुझे थोड़ा सा अकाउंट्स भी आपको आज पढ़ाना पड़ेगा। कई बार आपको बैलेंस शीट में एसेट डायरेक्टली WDV दिया होगा, एसेट नेट ब्रैकेट में नेट या WDV कुछ लिखा होगा और जो वैल्यू दिया होगा। अगर एसेट नेट है आफ्टर डेप्री दिया हुआ है, WDV दिया हुआ है, तो वो एज इट इज हम माइनस कर देंगे। लेकिन कई बार आप ब्लॉक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, ऐसा वर्ड आपने शायद सुना होगा। कई बार आप एसेट को बैलेंस शीट में कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखाते हैं, जब आप डेप्री को एक अलग अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में या एक अलग अकाउंट में अक्यूमुलेट करते हैं। तो इन दैट केस आपको बैलेंस शीट में दिया होगा कॉस्ट ऑफ द एसेट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अगर ऐसा होगा तो कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल बी WDV, नॉर्मल है वो WDV हम माइनस करेंगे जो बुक वैल्यू ऑफ द एसेट है। उसको माइनस करके जो आएगा वो मेरे लिए कैपिटल गेन या लॉस होगा। उस पे हम कैपिटल गेन टैक्स या सेविंग्स निकालेंगे। तो नेट टर्मिनल कैश फ्लो विल बी प्रोसीड्स प्लस माइनस कैपिटल गेन टैक्स स्लैश सेविंग्स। मोस्ट सम में वर्किंग कैपिटल नहीं होगा, वर्किंग कैपिटल सिर्फ एक या दो सम में हो सकता है। तो टर्मिनल क्या होगा? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल प्लस माइनस कैपिटल गेन। अब प्लस माइनस कैपिटल गेन में क्या होगा? अगर कैपिटल गेन होगा तो गेन पे टैक्स देना पड़ेगा, अगर लॉस होगा तो लॉस पे सेविंग्स होगा। लॉस पे सेविंग्स क्यों होगा? क्योंकि सर अगर एक एसेट पे लॉस होता है तो किसी और एसेट के गेन के साथ वो सेट ऑफ हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरे लिए अगर एक कैपिटल गेन लॉस आ रहा है, इट इज अज्यूम्ड कि बिजनेस के पास और कैपिटल गेन हो रहा होगा, तो ये लॉस किसी और गेन के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो इस लॉस के वजह से किसी और गेन पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए इस लॉस के वजह से टैक्स सेविंग्स होगा मेरा। वापस सेम इनकम टैक्स को लेके हमने एक अलग एग्जांपल में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि अगर कहीं पे लॉस होता है तो उस लॉस के वजह से सेविंग्स होता है, ये अज्यूम्ड है क्योंकि वो लॉस सेट ऑफ होके किसी और गेन पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? तो अगर कैपिटल लॉस हो रहा होगा तो उस पर टैक्स सेविंग्स हो रहा होगा, अगर कैपिटल गेन हो रहा हो तो उस पर टैक्स पे कर रहे होंगे। अगर टैक्स पे करेंगे तो वो आउटफ्लो होगा, माइनस होगा। अगर कैपिटल लॉस होगा तो उस पर सेविंग्स होगा, वो प्लस हो जाएगा मेरे लिए। क्लियर है? ओके, कॉपी कर लो।
हैव यू डन एवरीवन? अंजलि डन? ओके, उसके नीचे एक नोट लिख लो. इट इज अज्यूम्ड दैट द बिजनेस हैज कैपिटल गेन. It is assumed that the business has capital gain. From other assets and businesses. From other assets and businesses. Hence, if there is a capital loss. Hence, if there is a capital loss, then it is set off with other capital gain. It is set off with other capital gain. And hence, it leads to tax savings. And hence it leads to tax savings. And hence it leads to lower, it leads to tax savings, bracket, lower capital gain tax payable. It leads to tax savings, lower capital gain tax payable. देखो कंफर्टेबल एंड क्लियर है ना?
एवरीवन, ओके, नाउ वी आर रेडी फॉर एनपीवी मेथड। हमने मेथड वन था पे बैक पीरियड, मेथड टू था डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, हम चल रहे हैं मेथड थ्री, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी मेथड। उसके सामने लिखना एनपीवी इज अ मेथड एनपीवी इज अ मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स इज अ मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स बाय फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज By finding the present value of the future cash flows is a method of evaluating capital projects by calculating the present value of the future cash flows discounted at the cost of capital. By finding the present value of the future cash flows discounted at the cost of capital. It considers time value of money by discounting the cash flows. It considers time value of money by discounting the cash flows. Full stop. It considers all the cash flows of the project. Including the terminal cash flow. It considers all the cash flows of the project, including the terminal cash flow. Okay, last sentence से वापस repeat कर रहे हैं। It considers all the cash flows of the project, including the terminal cash flow. It considers all the cash flows of the project, including the terminal cash flow. Including the terminal cash flow, full stop. It provides the final figure in absolute amount. It provides the final figure in absolute amount. Full stop. It represents the net surplus in present value
इट रिप्रेजेंट्स द नेट सरप्लस इन प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर रिकवरिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल It represents the net surplus in present value after recovering the cost of capital on the project, on the funds used in the project. Okay. Next line, NPV can be calculated as follows. Can be calculated as follows. एकदम बेसिक फॉर्मूला बोले तो पीवी ऑफ इनफ्लोस माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लोस. तो जितना भी कैश फ्लोज है सबका पीवी निकाल के इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर देंगे नेट. अगर इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा आ रहा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर इनफ्लो आउटफ्लो से कम आ रहा है तो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर इनफ्लो ज्यादा आ रहा है यानी अपने को ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू जो हमारे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन पीवी टर्म्स, यानी डिस्काउंटिंग करके नेट हमारे को ज्यादा मिल रहा है तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट करेंगे. अगर कम मिलेगा तो रिजेक्ट करेंगे. आर यू विद मी? ये दोनों फॉर्मूला कॉपी करिएगा पहले. कॉपी किया? अब आपको हमने ऊपर कैश फ्लो जब समझाया था टाइप्स ऑफ कैश फ्लो तो हमने बताया था सीएफ जीरो यानी जो इनिशियल कैश फ्लो होगा वो जनरली आउटफ्लो होगा और सीएफ वन टू थ्री फोर जो एनुअल कैश फ्लो होगा वो जनरली इनफ्लो होगा और लास्ट में जाके जो सीएफ एन जो टर्मिनल कैश फ्लो होगा वो भी अपने लिए जनरली इनफ्लो होगा. इन सब का हम पीवी करेंगे और सबको एड कर देंगे, माइनस प्लस जो है सब एड कर देंगे. माइनस वाला प्लस करने से ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा. माइनस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 80,000 जो आएगा टोटल ऐड कर देंगे. फाइनली अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है यानी सरप्लस बचेगा यानी एक्सेप्ट करेंगे. अगर एनपीवी नेगेटिव आ रहा है यानी डेफिसिट है यानी रिजेक्ट करेंगे. आर यू गेटिंग दिस?
और एक तरीका है एनपीवी निकालने का जो बड़े सम्स में हम लोग फॉलो करेंगे, ये जनरली नेगेटिव फिगर आएगा। अब एनुअल कैश फ्लो तो अभी जीरो ईयर पे तो होगा नहीं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर होगा, तो हर एक एक साल के कैश फ्लो का पीवी करेंगे, तो एनुअल कैश फ्लो में पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करेंगे पीवी फैक्टर से, तो जो आएगा वो एनुअल कैश फ्लो, उसको सबको ऐड करेंगे, तो जो सबमिशन करके आएगा वो टोटल एनुअल कैश फ्लो होगा। हर साल का एनुअल कैश फ्लो इंटू उसका पीवी फैक्टर, एनुअल कैश फ्लो इंटू पीवी फैक्टर, एनुअल कैश फ्लो इंटू पीवी फैक्टर, उसको पीवी करके ऐड करके जो आएगा वो टोटल एनुअल कैश फ्लो हो गया। सिमिलरली टर्मिनल हर साल नहीं होगा, टर्मिनल सिर्फ एक बार होगा लाइफ का एंड में, तो लास्ट में जाके जो टर्मिनल कैश फ्लो होगा उसका पीवी फैक्टर मल्टीप्लाई करके जो आएगा मेरे लिए वो नेट टर्मिनल कैश फ्लो। एनुअल इनिशियल टर्मिनल सबको ऐड करके ए प्लस बी प्लस सी, ए जनरली नेगेटिव होगा हमने कहा था, तो फाइनली सबको ऐड करके जो आएगा एनपीवी दैट विल बी एनपीवी, अगर ये पॉजिटिव होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव होगा तो रिजेक्ट करेंगे। ऊपर वाला पार्ट कॉपी हो गया था ना आप लोग का? ओके, ये स्टेटमेंट फॉर्मेट कॉपी करो, जो बड़ा सम्स होगा उसमें स्टेटमेंट फॉर्मेट करेंगे सिंपल, छोटा सम्स में पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो कर लेंगे।
फिनिश कर लो। एवरीवन अंजलि डन साक्षी ओके नेक्स्ट लाइन नोट लिखना। नोट दो तीन पॉइंट आएगा। पॉइंट नंबर वन, इट इज अज्यूम्ड दैट द प्रोजेक्ट आउटफ्लो स्लैश कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इट इज अज्यूम्ड दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आउटफ्लो ऑकर्स एट द प्रोजेक्ट आउटफ्लो ऑकर्स एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सीएफ जीरो ऑकर्स एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सीएफ जीरो। पॉइंट नंबर टू, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन For ease of calculation, all cash flow from operations bracket inflows and outflows for ease of calculation all cash flows from operations bracket inflows and outflows are assumed to occur at the end of each year. Are assumed to occur at the end of each year. आ जाएगा फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में सेल्स हो रहा है। सेल्स ऐसा तो नहीं है खाली लास्ट डे ऑफ द ईयर सेल्स होगा, पूरा साल हर दिन थोड़ा थोड़ा सेल्स होगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा वेरिएबल एक्सपेंसेस होगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा फिक्स्ड कॉस्ट एक्सपेंसेस होगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह चार्जेबल होगा, हर दिन अपने लिए बहुत सारे कैश फ्लोज हो रहे होंगे। लेकिन अज्यूम फॉर कैलकुलेशन हम लोग मान लेते हैं सारा कैश फ्लो एंड ऑफ द ईयर है, तो उसको एक साल पुल करना है। सेकंड ईयर का कैश फ्लो को दो साल पुल करना है, थर्ड ईयर का कैश फ्लो को तीन साल पुल करना है। ये बात और है, आप बोलेंगे सर सेल तो पूरा साल हर दिन हुआ होगा, अग्रीड हर दिन हुआ होगा, लेकिन कैलकुलेशन कन्वीनियंस के लिए मान लिया जाता है कि साल के एंड में लास्ट डे सारा कैश फ्लोज हो रहा है। आर यू विद मी एवरीवन? ओके, नोट थ्री, द एसेट स्क्रैप वैल्यू इज अज्यूम टू बी रियलाइज एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट। The asset scrap value is assumed to be realized at the end of the life of the asset. Next slide, note number 4. When mutually exclusive projects are given,
व्हेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आर गिवेन। इट मीन्स ओनली वन ऑफ द गिवेन प्रोजेक्ट्स कैन बी सेलेक्टेड। इट मीन्स ओनली वन ऑफ द गिवेन प्रोजेक्ट्स कैन बी सेलेक्टेड। इट मीन्स ओनली वन ऑफ द गिवन प्रोजेक्ट्स कैन बी सेलेक्टेड। अगर ए लेंगे तो बी को छोड़ना पड़ेगा, अगर बी लेंगे तो ए को छोड़ना पड़ेगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए बी में से हम लोग एक ही ले सकते हैं, वी कैन नॉट टेक बोथ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक लेंगे तो दूसरा छोड़ना पड़ेगा, दूसरा लेंगे तो पहला छोड़ना पड़ेगा। आर यू विद मी? ओके, नेक्स्ट नोट नंबर कितना? फाइव लिखना। व्हेन द फ्यूचर कैश फ्लोज आर कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट वैल्यू, द डिस्काउंटिंग कॉमा द डिस्काउंटिंग प्रोसेस automatically covers, when the future cash flows are converted into present value, comma, the discounting process automatically covers the cost of capital on the funds invested in the project. Automatically covers the cost of capital on the funds invested in the project. Automatically covers the cost of capital on the funds invested in the project. Full stop. If NPV is positive, it represents the surplus amount available. To the owners of the business, over and above the cost of capital. Are you with me? दो मिनट लेके जितना नोट लिखवाया है ये पांच पॉइंट रीड करो ना, कंफर्टेबल है ना?
ये एक एग्जाम्पल के साथ पूरा एनपीवी क्लियर करवाऊंगा सिंपल सिंपल अभी आपको। एग्जाम्पल कॉपी करना। आर वी डन विद द कॉपिंग पार्ट? साथ में एक बार खाली समझा रहे, ध्यान दो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज आप निकाल के दे सकते हो मेरे को, कितना आएगा बताइए। नेक्स्ट 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 ऐड करके
704071 क्या? देखो दैट इज योर एनपीवी, पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो। दिस इज सबसे सिंपल वर्जन ऑफ एनपीवी, पीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लोज। Are we done till here, everyone? Okay. अब इस NPV को interpret करना समझा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, this is very crucial next 5 minutes. Pay attention. When I get an NPV equal to 2,04,000, this means what? आपको सर खाली 2,04,000 मिला? नहीं। सर मुझे 5 लाख और 2,04,000 मिला? नहीं। अगर आप देखोगे तो मेरा एक्चुअल कैश इनफ्लो कितना हुआ था? 2 लाख प्लस 1 लाख, 3 लाख प्लस 3 लाख, 6 लाख प्लस 4.5, 10.5 लाख। 5 लाख लगा के मुझे एक्चुअल कैश फ्लो 10.5 लाख का हुआ, लेकिन 5 लाख जो मैंने लगाया उस पर मुझे हर साल 15% मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, तो मुझे 5 लाख चाहिए था और 5 लाख पे 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर साल चाहिए था। ये 5 लाख और 5 लाख पे 15% कमाने के बाद एक्स्ट्रा सरप्लस मुझे 2,04,000 मिल रहा है। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? एनपीवी इज द सरप्लस दैट यू आर गेटिंग आफ्टर कीपिंग असाइड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब मैंने पीवी किया, डिस्काउंटिंग किया, तो मैंने हर साल 15% साइड कर दिया। जब मैंने पीवी किया तो मैंने हर साल 15% साइड कर दिया। उस 15% को साइड करने के बाद मेरे पास सरप्लस 2,04,000 बच रहा है। आर यू गेटिंग दिस? सो व्हेन आई गेट एन एनपीवी पॉजिटिव फिगर, इट इज द सरप्लस दैट यू आर गेटिंग ओवर एंड अबव टू थिंग्स, योर प्रिंसिपल अमाउंट एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। When I say I have got an NPV of 2,04,000, what does this mean? This means that from this project I will get back my principal 5 lakhs. From this project I will get back 15% per annum. 15% per annum on the investment 5 lakhs. Plus I will get surplus of 2,04,000 in PV terms. Are we getting this? समझना जरूरी है। एनपीवी इज का मतलब ये नहीं कि मेरे को इस प्रोजेक्ट से खाली 2 लाख मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 5 लाख लगाया, 5 लाख के बदले 5 लाख प्लस 2 लाख मिला 7 लाख। नहीं, मैं 5 लाख के ऊपर मुझे 10.5 लाख मिला, लेकिन 5 लाख पे मैंने हर साल अपना 15% साइड कर दिया। 5 लाख और 15% साइड करने के बाद सरप्लस एक्स्ट्रा मेरे को 2,04,000 मिल रहा है इस प्रोजेक्ट से। दैट इज वॉट एनपीवी ऑफ 2,04,000 मीन्स फॉर अस। आर वी क्लियर विद दिस? ओके, वन लाइन कमेंट लिखवा देता हूं नीचे। एनपीवी ऑफ 2,04,000 मीन्स NPV of 2,04,000 means that from this project NPV of 2,04,000 means that from this project by investing rupees 5 lakhs we will get back three things.
एनपीवी ऑफ 2,04,000 मीन्स दैट बाय इन्वेस्टिंग 5 लाख इन दिस प्रोजेक्ट वी विल गेट बैक थ्री थिंग्स. वी विल गेट बैक थ्री थिंग्स. क्या थ्री थिंग्स? नेक्स्ट लाइन पॉइंट नंबर वन, द एंटायर प्रिंसिपल 5 लाख मुझे मिल रहा है तभी एनपीवी पॉजिटिव आया है. द एंटायर प्रिंसिपल 5 लाख आई विल गेट बैक. द एंटायर प्रिंसिपल 5 लाख, पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% पर एनम ऑन द 5 लाख्स. कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% पर एनम ऑन द 5 लाख्स. एंड पॉइंट नंबर थ्री, अ सरप्लस ब्रैकेट एक्सेस इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स ऑफ रुपीज 2,04,000. A surplus bracket excess in present value terms of rupees 2,04,000. हाँ मतलब 2,04,071 आपने ऑब्वियसली राउंडेड बात कर रहे थे आप एग्जैक्टली लिख लो 2,04,071. ओके एक छोटा सा राइटअप लिखा रहा हूं 5 मिनट्स का and then we will give you a bit of homework. That would be it about. और कुछ नहीं extra करवाएंगे ज़्यादा आपसे. Fourth method है जो आपका profitability index. क्योंकि NPV और PI का discussion हमेशा एक साथ होता है. भाई भाई है एकदम दोनों. Profitability index PI. उसके सामने लिखना है पीआई इज वेरी सिमिलर टू एनपीवी एक्सेप्ट that it is expressed as a ratio. Except that it is expressed as a ratio. It represents the inflows. It represents the inflows per rupee of investment in the project.
इट रिप्रेजेंट्स द इनफ्लोज पर रूपी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट. नेक्स्ट लाइन फॉर्मूला लिख लो खाली. पीआई कुछ नहीं है, पीवी ऑफ इनफ्लो बाय पीवी ऑफ आउटफ्लो. एनपीवी था पीवी ऑफ इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ आउटफ्लो. ये वही चीज को एज अ रेशियो दिखा रहा है, पीवी ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ आउटफ्लो. कॉपी क्या फॉर्मूला? Continuing the above example, PI कितना होगा? 7,04,000 divided by 5,00,000 हो जाएगा खाली. अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप इस प्रोजेक्ट में एक रुपया लगाते हैं तो आपको आपका एक रुपया वापस मिलेगा, 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलेगा, प्लस हर एक रुपए पे 41 पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा इन पीवी टर्म्स. वंस अगेन, अगर आप इस प्रोजेक्ट में एक रुपया लगाते हैं तो उस एक रुपया पे आपको अपना एक रुपया वापस मिलेगा, 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल साइड करने के बाद वो तो मिलेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा 41 पैसा मिलेगा. यू विल गेट बैक 1.41, एक रुपया लगा के 1.41 मिलेगा पीवी में, यानी 15% साइड करके एक के बदले 1.41 मिलेगा, एक्स्ट्रा 41 मिलेगा पैसा पर रुपी. दिस इज व्हाट पीआई टेल्स यू. सेम चीज है, बस रेशियो की तरह एक्सप्रेस करता है, एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं. एनपीवी वही चीज एब्सोल्यूट अमाउंट में देता है 2,04,000, ये वही चीज रेशियो में देता है 1.41. आर यू विद मी एवरीवन? ओके, वेरी गुड. बहुत कुछ सिखा चुका है, बस एक सेंटेंस नीचे लिख लो, लास्ट सेंटेंस. पीआई ऑफ 1.41 मींस PI of 1.41 means by investing 1 rupee of capital, PI of 1.41 means by investing 1 rupee of capital, we will be able to earn 1.41. We will be able to earn 1.41, bracket में लिखो 0.41 extra, 0.41 surplus. We will be able to earn 1.41, bracket में 0.41 surplus, bracket close, in present value terms by investing rupees 1 in the project. We will be able to earn rupees 1.41, bracket में 0.41 surplus, ब्रैकेट क्लोज, इन पीवी टर्म्स प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स आफ्टर कीपिंग असाइड 15% पर एनम फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स आफ्टर कीपिंग असाइड 15% पर एनम फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Are you with me everyone? Sir,
प्रेजेंट वैल्यू करके निकाला हुआ है ना, आपने तो जो 7,04,000 निकाला है वो तो प्रेजेंट वैल्यू करके निकाला है, तो प्रेजेंट वैल्यू करते टाइम तो आपने उसको पुल किया है 15% से, तो आपने जब हर साल पुल किया 15% से, आपने ऑलरेडी 1 रुपया पे 15% हर साल साइड कर दिया है, वो साइड करने के बाद एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है 1.41, यानी अगर आप 1 रुपया लगाओगे तो हर साल का 15% हटाने के बाद आपको वापस मिलेगा 1.41 इन प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स, यानी 0.41 एक्स्ट्रा मिल रहा है। जैसे 7,04,000 अगर आपको मिल रहा था तो 7,04,000 में 15% कहां है, आपको तो 10,50 मिला था, 10,50 में से आपने 15% साइड करके 7,04,000 आया है। वैसे ही 1 रुपया लगा के अगर आप देखेंगे 5 लाख पे तो आपको 10,50,000 मिल रहा है, यानी 2 रुपया से भी ऊपर कुछ मिल रहा है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू करके 15% साइड करके 1.41 बचा है, यानी सरप्लस इज 0.41 पर रुपी। क्लियर हो रहा है ना पक्का? ओके, वेरी गुड। अभी और बहुत कुछ है एनपीवी पीआई पे डिस्कस करने को, जो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, आज और नहीं है, वी करेंगे इसको, लेकिन नेक्स्ट डे एनपीवी पीआई का रिलेशनशिप समझाएंगे, कट ऑफ्स वगैरह समझाएंगे, और बहुत कुछ है एनपीवी पीआई पे जो डिस्कशंस को कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन लेकिन मैं इतना ही पढ़ाएंगे अपने आपको।